मेरे जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक एनएफसी सोसाइटी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो बुराई क्या है? अगला सवाल और आखिरी सवाल। बुराई सबसे बड़ी बुराई, जिससे कोई और बड़ी बुराई नहीं है, वो बातिल निजाम है। वो कौन सा निजाम है? वो बातिल निजाम है, इसलिए कि बातिल निजाम तमाम बुराइयों की माँ है। अगर मुल्क में करप्शन है तो बातिल निजाम की वजह से, अगर मुल्क में जुल्म और जबर है तो बातिल निजाम की वजह से, अगर मुल्क में आपको साफ खालिस दूध नहीं मिलता और मिलावट है हर चीज में, बातिल निजाम की वजह से, अगर मुल्क में मेरिट काबिलियत की बजाय रिश्वत और सिफारिश का कल्चर है तो बातिल निजाम की वजह से, अगर मुल्क में कियादत जालिम जाबर, जिसको आप सूरज की तरह देखते हैं, जिस तरह सूरज में कोई शक नहीं है कि ये सूरज है, कि ये आदमी जालिम है, ये आदमी चोर है, ये आदमी करप्ट है, लेकिन फिर भी वो इख्तियारात पर वही अजदहा बनकर बैठा है, क्यों? जालिम निजाम की वजह से। तो अगर इस निजाम के खात्मे के खिलाफ आपके दिल में कोई जज्बा पैदा हुआ है तो आप मुत्तकी और परहेजगार बन गए हैं, लेकिन अगर रोजे के बावजूद भी आपने ये तय किया है कि इसी निजाम में रहना है और खुश होके रहना है, इसी निजाम में सांस लेना है और इत्मीनान के साथ लेना है, और इस गंदगी के ढेर पर